लुक्स एकदम मस्त रखना, अट्रैक्टिव लुक्स रखना है। हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज बहुत दिन बाद फोटोशूट करने वाला हूँ और आपको थंबनेल देखे तो पता चल ही गया, आज करने वाला हूँ रेलवे पटरी पर। आप पूछोगे इसमें नया क्या है, लेकिन आज आपका भाई रेलवे पटरी पर ऐसे कुछ पॉइंट दिखाएगा जिसमें आप क्रिएटिव फोटोशूट कर सकते हो, क्योंकि फोटोशूट करने के लिए हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। हम पटरी पे कुछ क्रिएटिव बैकग्राउंड रख सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो मेरा कैमरा है सोनी 6400 और मैं योगनो लेंस यूज़ कर रहा हूँ 1.8 अपर्चर। तो आपके घर के नज़दीक अगर रेलवे पटरी है तो आप ट्राई जरूर करना और मुझे टैग करना। तो चलो ज़्यादा टाइम खराब ना करते, हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो रेलवे पटरी है उसका जो क्रॉसिंग लाइन होता है, जो ट्रेन क्रॉस करता है, उस जगह आपको जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह ट्रेन क्रॉस होता है, आपको उस साइड भी दिखा देता हूँ एक बार, इस साइड भी देख सकते हो इसी जगह ट्रेन क्रॉस होता है, तो आपको क्रॉसिंग पर जाना है, क्योंकि इसी जगह आपको जो रेलवे पटरी है वो क्रॉस दिखेगा और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा क्रिएटिव दिखेगा। तो हम इसी जगह अलग अलग बैकग्राउंड रखने की कोशिश करेंगे। मैं जो फास्ट फोटो क्लिक करूंगा कुछ इस जगह करूंगा, जैसे कि इस जगह क्रॉसिंग देख सकते हो एंड इस जगह जो लाइन है वो एकदम क्लोज है, एंड जितना हो सके पीछे जाऊंगा। जाने के बाद इधर मैं पॉज करूंगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से करूंगा, कुछ इस तरह से पॉज होगा एंड दो साइड से लाइन है जो दिखने में मस्त लगेगा, तो कुछ इस तरह से आपको पॉज करना है। देख सकते हो बहुत ही धासु लग रहा है, जो पॉज है ना एकदम बम लग रहा है। तो आप इसी तरह से बस अब जो रेलवे लाइन है ना इसका सही इस्तेमाल करना है, इसीलिए आप क्रॉसिंग में करो, बहुत बढ़िया रहेगा। और ध्यान से, कुछ कुछ जगह पर ट्रेन बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है लेकिन इधर बहुत लेट आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉज होगा कुछ इस तरह से होगा, आपको इस तरह से पकड़ना है एंड थोड़ा जोर लगाना है और इस तरह से लुक्स करना है। और जो मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ वो हाफ एंगल से, और हाफ एंगल से इसलिए फोटो क्लिक कर रहा हूँ जिससे जो पीछे पटरी है वो लोकेशन थोड़ा मस्त दिखे, मतलब क्रॉसिंग वगैरह एकदम सही से दिखे, इसीलिए हाफ एंगल से फोटो क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी हाफ एंगल से फोटो क्लिक करना एंड इस तरह से फोटो क्लिक करूंगा। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट फोटो होगा वो कुछ इस तरह से करना है, जैसे कि आप पटरी क्रॉस कर रहे हो कुछ इस तरह से आप क्रॉसिंग कर रहे हो। और इसमें करना क्या है, एक हैंड में शार्ट पे इस तरह से रखूंगा और एक नॉर्मल इस तरह से रैंडम रखूंगा, बस आपको ऐसे लुक्स करना है, इस तरह से करना है जैसे ऐसा लगे कि आप चल रहे हो, उसी तरह फील आना चाहिए। अब अगर आप इस तरह से रहोगे ना तो नॉर्मल रहेगा, जैसे कि आप पॉज कर रहे हो एकदम खड़े होकर, और इसमें रैंडमली दिखेगा कुछ इस तरह से, बस ऐसे लुक्स करना है आप। इसमें आप अलग अलग कर सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही धासु लग रहा है, तो आप कुछ इस तरह से अलग लेवल की फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड रेलवे पट्टी पर आजकल बहुत ज़्यादा फोटो देख रहा हूँ मैं, तो अभी क्लिक करो। एंड नेक्स्ट जो मैं फोटो क्लिक करूँगा, इस साइन बोर्ड पर कुछ वगैरह वगैरह लिखा है, तो इस तरह की साइन बोर्ड आपको पटरी के साइड में दिखेगा एंड इस तरह की कुछ खंभा वगैरह दिखेगा जिसमें आप बैठ के पोज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एंड मैं इसमें करूँगा, और इसमें करना क्या है, बस सिंपल है, बस इस तरह से अपनी बॉडी को टिल करना है एंड इस तरह से अपनी पैर को क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप अपनी सनग्लास खोल के रखते हो कुछ इस तरह से, रखने के बाद आप ऐसे लुक्स कर सकते हो कुछ इस साइड। तो गाइस देख सकते हो फोटो बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड नेक्स्ट ड्रेस चेंज करके और कुछ फोटो क्लिक करूंगा। क्या होता है, एक ही ड्रेस से सब फोटो क्लिक करूंगा तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने में दिक्कत होता है, एक ही फोटो पोस्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक शर्ट चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो शर्ट चेंज हो चुका है जो आप देख सकते हो, इस शर्ट के साथ दो तीन फोटो क्लिक करके देखता हूँ। और गाइस एक बात आप ध्यान रखना, पटरी में जो लास्ट वाली जो जगह होता है ना, एकदम पटरी के लास्ट साइड जो आप देख सकते हो, दिख रहा है, तो लास्ट साइड कुछ इस तरह से एकदम बंद करके रखता है, तो मैं उसी जगह फोटो क्लिक करूंगा, मतलब वो मैं बैकग्राउंड रखूंगा फोटो की, तो देखते हैं कैसा होता है। एंड चलते हैं उस जगह, देख सकते हो ये लास्ट वाली जो जगह है। और आपको इसमें एक बात ध्यान रखना है, अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो उससे
थोड़ा आगे आपको फोटो क्लिक करना है, कम से कम आपको 50 मीटर दूर फोटो क्लिक करना है, जिससे क्या होगा वो थोड़ा ब्लर सा होगा और दिखने में मस्त लगेगा और एडिटिंग में भी बहुत बढ़िया लगेगा। एंड आपको प्रीसेट में दे दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, एंड रॉ फोटोज नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहते हो कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो उससे ट्राई कर सकते हो। एंड प्रीसेट डाउनलोड करना, नीचे लिंक है। एंड इधर मैं पॉज करूंगा और इसमें बस बैकग्राउंड के लिए एकदम मस्त लगेगा, और इसमें जो हमारा पॉज होगा ना कुछ इस तरह की होगा, ऐसे आपको बैठ जाना है, बैठने के बाद एक हैंड नीचे होगा और दूसरा कुछ इस तरह से होगा, और अपनी लुक्स एकदम ठीक रखना, और लुक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो है, अब चेकआउट करना आई बटन से, तो लुक्स एकदम मस्त रखना, अट्रैक्टिव लुक्स रखना है। तो गाइस देख सकते हो फोटो बहुत ही मस्त लग रहा है और बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़बरदस्त। एंड नेक्स्ट हमारा जो लास्ट फोटो होगा वो पटरी के साइड होगा, एंड उसमें क्रॉसिंग पे एकदम जो मेन क्रॉसिंग होता है ना उसी पे फोटो क्लिक करूँगा एंड उस साइड। तो इस जगह आप देख सकते हो ये मेन पॉइंट है जो क्रॉसिंग की एकदम मेन पॉइंट है, तो आप इस जगह फोटो क्लिक कर सकते हो एकदम मस्त तरीके से। इधर ही बैठूँगा और इसमें ध्यान रखना है इस में अपना पैर भी फंस जाता है, तो इसमें एक पैर इधर होगा और हैंड एक डाउन पे होगा और दूसरा ऐसे क्रॉस करके रखूँगा कुछ इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद अपनी लुक्स थोड़ा ऊपर के साइड रखूँगा, जितने भी फोटो में क्लिक कर रहा हो सब ऑफ एंगल से फोटो क्लिक कर रहा हो, क्योंकि पीछे के साइड पटरी दिखना चाहिए क्योंकि पटरी फोटो शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ऐसे करूँगा, एंड आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से फोटो क्लिक करके देखता हूँ। तो गाइस ये थी रेलवे पटरी फोटोशूट, तो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट कर देना, और आपको कौन सी फोटो ज़्यादा अच्छी लगी वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर इस चैनल में आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलते हैं और एक वीडियो में और एक दिन। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।